हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, UPTET 2019 की स्पेशल क्लासेज आप सभी के लिए कराई जा रही है। जो दोस्तों आज इसका डे 7 है, इससे पहले की क्लास की दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जिनको देखनी है। और अगर हम बात करें दोस्तों एनवायरमेंट स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके समय का पूरा ध्यान किया जाएगा, कहने का मतलब है कि 10 से 12 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जिससे कि आप किसी और सब्जेक्ट को भी अच्छे से टाइम दे पाएं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है BT कपास है, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बता होना चाहिए। दोस्तों BT कपास जो होती है वो होता है एक ट्रांसजेनिक पौधा, तो एक तरीके का दोस्तों ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, और इसका दोस्तों क्विज भी आप सभी को मिलेगा जो कि हमारी वेबसाइट में मिलेगा, उसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप सभी दोस्तों क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारक है, आप सभी को बताना। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, और राइट आंसर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा होता है आपको पता होगा, SO2 जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आपको पता होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर दोस्तों जो आम पकाने के लिए यूज़ किया जाता है वो है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने जो लिखा हुआ है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों टाइफाइड। टाइफाइड होता है दोस्तों होता है गंदा पानी की वजह से आप सभी के सामने निकल कर के आता है, जिसमें आपको जो है बुखार होता है, और बुखार इसका दोस्तों सिम्टम होता है हाथ पैरों में दर्द होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बता होना चाहिए। तो जो आप सभी के सामने लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन जी है तो दोस्तों जो है ग्रीन हाउस गैस होती है, ये भी है, लेकिन CO जो होती है दोस्तों आप सभी को पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि दोस्तों वाहनों में से निकलती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी द्विबीजपत्रीय पौधा, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सरसों। तो ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, आप सभी को बताना। जाइलम, फाइलम, कैम्बियम या पेसिलेट। तो चार ऑप्शनों में से आपको इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जाइलम इसका बिल्कुल राइट आंसर, जिसके द्वारा दोस्तों जल का अधिग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य का स्रोत, आप सभी को बताना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऋग्वेद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, और राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, आप सभी को बताना है। चार ऑप्शनों में से आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें बात की है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है दोस्तों घूमने से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी का क्या विशेषता, आप इसको कैसे पहचाने, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर जो होगा दोस्तों मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन की आप सभी के सामने बात की गई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने पर शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक जो भय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर इसका पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर, चुनकर चरना, चरना मतलब खाना, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अस्थियों के रूप के लिए आवश्यक है आपको बताना है। तो अस्थियों की यहाँ पे दोस्तों बात की गई तो कैल्शियम तो साथ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये तो आप सभी के लिए बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको दोस्तों कैल्शियम के साथ में क्या चाहिए, वो चाहिए विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें भारत में तो 138 जो आप सभी का राइट आंसर, अगर हम बात करें तो 4 मैं आपको हाइट बता रहा था, हाइट का यहाँ कोई मैटर नहीं है, 130 इसको हम छोड़ देते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको पूछेगा, बस आपको याद रखना है माउंट K2 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर जो होगा दोस्तों शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जितना दोस्तों हो सके आप लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप सभी को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं प्रोवाइड की जाए, UPTET की डेडिकेटेड क्लासेज जो आप सभी के लिए चल रही हैं, तो आप लोग दोस्तों इसमें सहयोग करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलती है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दोस्तों, शोभ मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो आप सभी के सामने लिखा है। वायुमंडल की सबसे नीची जो परत होती है वो होती है शोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आप सभी को बताना है। तो विटामिन सी की दोस्तों यहाँ पे बात की गई तो आप सभी इसका बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं, उससे जो रोग होता है दोस्तों वो होता है इसका भी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अगला भी आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, 21 का आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आपको पता होगा इनके बारे में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो आंदोलन किए हैं अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर के, तो किरण बेदी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाले वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को बताना कहाँ पर है। ये दोस्तों असम की यह बात की, असम कर दिया है बाई मिस्टेक गूगल ने, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काजीरंगा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, असम के अंदर दोस्तों ये अवेलेबल है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये फेमस है, आप सभी को याद रखना, सिर्फ यहीं पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अवेलेबल है, निम्नलिखित में से कौन सा अगेन्य चट्टान का उदाहरण है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका होगा बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको बताना दोस्तों किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। तो 4 ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अगला आप सभी के सामने है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है आपको पता होना चाहिए। तो 25 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो दोस्तों सिख धर्म शुरू किया गया था वो हाल ही में शुरू किया गया, जो दोस्तों गुरु नानक देव जी थे उनके द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था, तो ज़्यादा पुराना आप सभी को पता है धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र आप सभी को बताना है। 26 का आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। तो भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे लंबा दिन जो होता है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अगला आप सभी के सामने है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम आप सभी को पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में से आपको पता होना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश की बात की गई दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप सभी के सामने विराजमान है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य आप सभी को बताना है। तो 29 का आप सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, वो असम है, असम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अगला आप सभी के सामने है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। खाद्य चक्र, खाद्य जाल या फिर श्रृंखला अभिक्रिया या बायोमास पिरामिड, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर, श्रृंखला की अभिक्रिया। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सभी के CDB पार्ट के लेकर के आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ,
दोस्तों अभी तक जो हम यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं कि क्या सा सिलेबस चेंज हुआ है। देखो अभी तक ऑफिशियल नहीं है सिलेबस चेंज होने को लेकर, अगर कोई ऑफिशियल अपडेट होगी तो वो आप सभी को जरूर बताई जाएगी। फिलहाल दोस्तों जो अपडेट निकली वो सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर आया, ऐसा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है। और जैसे ही दोस्तों कोई ऑफिशियल चीज़ निकल करके आएगी तो आप सभी को सारी की सारी जो चीज़ है वो सिलेबस समझा दिया जाएगा। जो भी अगर दोस्तों उसके अंदर चेंज होगा, देखो सब्जेक्ट यही आने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल को अप किया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी होने की संभावना नहीं यूपीटीटी में। बस आप लोग जैसे तैयारी वैसी तैयारी करते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि काफी अच्छे आप सभी के नंबर इस बार आने वाले। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।